हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेरा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है 2.2 में। हम आपको बताएंगे चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको पहले एक लेक्चर बता चुके हैं। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। उसके पहले हमने दोस्तों आपको बताया था कि आखिर चुंबक क्या होता है, चुंबक क्या होता है और चुंबक के क्या क्या, चुंबक के बारे में बताया दोस्तों, और उसके प्रकृति में पाया गया और एक प्रकृति में पाया गया, एक कृत्रिम रूप से हमने अपने आवश्यकता के अनुसार बनाया। तो दोस्तों, इसमें हम आपको आज बताएंगे, आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है इसको हम पहले बताएंगे। तो पहले एक हम बनाएंगे मैग्नेट। मैग्नेट में दोस्तों कभी भी बात की जाए तो उसमें दो ध्रुव होंगे। दो ध्रुव कौन कौन से होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा आपका साउथ पोल। दोस्तों, कोई भी चुंबक हो, एक्स वाई जेड कोई भी चुंबक हो, बिना दो पोल के चुंबक हो ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, बिना दो पोल के चुंबक हो ही नहीं सकते। चुंबक होने के लिए दो ध्रुवों की आवश्यकता होगी दोस्तों, जिसे आप एक को नॉर्थ पोल कहेंगे और दूसरे को साउथ पोल कहेंगे, एक को उत्तरी ध्रुव कहेंगे, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप एक चुंबक और ले लीजिए, यहाँ पे यह हो गया नॉर्थ पोल और यह हो गया साउथ पोल। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र दोस्तों, अगर दो चुंबक आप लेके उन्हें आपस में, जैसे अब आपस में जब चिपकाते हैं दोस्तों, अगर आपस में चिपकाते हैं तो कब चिपकता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दूं कि कब चिपकता है, जब दोनों पोल, समझ लेंगे नहीं, जब दोनों पोल क्या होंगे, अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो क्या होगा, वो दोनों भागते जाएंगे। ठीक है, जब सेम पोलैरिटी का होगा तो क्या होगा कि चुंबक भागेगा। आप देखेंगे कि चुंबक का पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, कि चुंबक का पहचान हमने आपको बताया कि जब वो चिपकेगा किसी लोहे के टुकड़े में तब आप उसे क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। तो चुंबक कब कहेंगे आप, जब चिपकेगा। तो दोस्तों, चिपकने का एक उसका चुंबक का गुण है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि देखिए, जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोस्तों, रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और जब डिफरेंट पोलैरिटी की बात होगी तब वहां पे क्या होगा, चुंबक हमारा चिपक जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्या होगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब डिफरेंट पोलैरिटी की बात की जाएगी, जैसे नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह चुंबक की क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम आपको अब डेफिनेशन लिखाएंगे दोस्तों, डेफिनेशन आपको बताएंगे, तो देख लीजिए जो हमने अभी बोला है उसी को हम लिखवा देंगे, बाकी सारी बातें वही रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमने क्या बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आपका यह जो चुंबक है एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बल का अनुभव करेगा, तो एक बल का अनुभव करेगा जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चलिए लिखते हैं, यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, डेफिनेशन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों तो डेफिनेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपको पता हो गया होगा, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मात्रक, किसकी देख लीजिए, इसका मात्रक न्यूटन पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा, चेंज कर देते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने अभी तक हमने आपको क्या बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे हम चुंबकीय प्रभाव का उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक बार एग्जाम में आ चुका है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है दोस्तों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपको बताना है, इसे किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, बी से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं हम, आगे की बातें होंगी अब। तो दोस्तों इसके बाद क्या आता है, चुंबक की बल रेखाएं आएगा। ठीक है, चुंबक की आखिर बल रेखाएं क्या होंगी इसके बारे में भी तो आपको पढ़ना है, आपको इसी लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी लेक्चर में आपको बताया जाएगा। चलिए आपको हम बताएंगे चुंबक की बल रेखाएं, आखिर चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है दोस्तों। तो चुंबकीय बल रेखाएं आखिर होती क्या है हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है कि किसी चुंबक के चारों ओर एक बल रेखाएं खींची जाती है, हम आपको बताएंगे कैसे खींची जाती है। जैसे ये कोई मैग्नेट हो गया आपका, ये कोई आपका मैग्नेट हो गया जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक है आपका साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, ये आपका चुंबक है, दो ध्रुव वाला चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ पोल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका एक चुंबक हो गया। अब इसके सॉरी दोस्तों यहां पे लिख दे पहले हेडिंग क्या है इसको तो बता दे पहले आपको, हेडिंग है दोस्तों आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं आखिर होता क्या है इसके बारे में पहले बताएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं को के बारे में जानने के लिए पहले हमें एक चुंबक लेना होगा, इस चुंबक के दो ध्रुव होने चाहिए, किसी चुंबक का एक ध्रुव हो ही नहीं सकता दोस्तों, लेकिन आपको बता दो किसी चुंबक का एक ध्रुव हो ही नहीं सकता। किसी चुंबक के कितने ध्रुव होने चाहिए, दो ध्रुव होने चाहिए, कौन कौन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए इतनी बातें आपको पता हो गई होगी। आगे की बात क्या है दोस्तों कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव नॉर्थ पोल से चलती हुई साउथ पोल पे समाप्त होती हैं। कहां से कहां चल के, पहली बात यही है आपको लिखना भी यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पे समाप्त होती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कैसे। जैसे हमारा नॉर्थ पोल से चलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं कहां से चलती हुई, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे समाप्त होती है। ठीक है तो दोस्तों, अब यही कंडीशन यहां पर भी होगी कि जो हमारा नॉर्थ पोल से कहां जाएगी, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्या होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पर समाप्त होती हैं। अभी बात की जाए चुंबक के बाहर की, चुंबक के बाहर की बात हो रही है दोस्तों, चुंबक के बाहर क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पर समाप्त होंगी। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यही दोनों तरफ होता है दोस्तों, यही बात दोनों तरफ होगी। और अगली बात की जाए तो ये बल रेखाएं अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बल रेखाएं जो हैं अनंत तक चलती चली जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनका कोई अंत नहीं है, ये बल रेखाएं चलती चली जाएंगी। ये
एक पॉइंट और आपको याद करना है इसमें क्या कि ए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब एक बात और आप जान लीजिए इसमें कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो अंदर कैसा व्यवहार करती हैं, चुंबक के अंदर कैसा व्यवहार करेंगे, तो चुंबक के बाहर का व्यवहार था इनका। अब आपको बता दूं कि चुंबक के अंदर इनका क्या व्यवहार होगा। तो दोस्तों ये जो अभी नॉर्थ पोल से चलती हुई दिखाई दे रही थी, ये चुंबक के अंदर क्या हुआ, जस्ट उल्टा। साउथ पोल से चल के ये लोग कहां जाएंगी, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, साउथ पोल से चल के थोड़ा डॉटेड कर देता हूं इनको, साउथ पोल से चल के कहां जाएंगी, नॉर्थ पोल पे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कहां से कहां चल के और चुंबक के अंदर कहां से कहां चल के, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यही बातें होती रहती है इसमें, अंदर की तरफ की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ बात की जा रही है कि अंदर किसी चुंबक के अंदर वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आपको एक बात और बता दूं कि ये आपके आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात हमने क्या बताया कि ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो, इसको रेस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आपको जो हमने अभी बताया वही हम चीजें आप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वही चीजें लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा चुंबक बना लेते हैं। चुंबक बना लेंगे दोस्तों तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए चुंबक बनाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चुंबक होगा जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। हमने अभी बताया कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल पे समाप्त होती हैं कुछ ऐसा, और ये बल रेखाएं चलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वैद्युत बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चलती रहती हैं। ठीक है, और चुंबक के अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे। चलिए अब इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं दोस्तों, यही बातें लिख लेते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं कहां से कहां तक जा रही हैं, कहां से कहां तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लिख दीजिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया दोस्तों, आपको पहला पॉइंट हमने बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। पहला पॉइंट हमने आपको दोस्तों बताया कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहां से निकल के उत्तरी ध्रुव से निकलकर यानी नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे समाप्त होती है, पहला पॉइंट था आपका। लेकिन दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट होगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि एक बार चुंबकीय बल रेखाएं कहीं किसी को काट रही नहीं, काट रही दोस्तों। ठीक है, और अगली बात हम आपको बता दें कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने क्या बताया आपको कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक बंद वक्र बना रही है। ठीक है दोस्तों, कैसा वक्र, बंद वक्र बना रही है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख दीजिए चुंबकीय बल
रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव सदैव, ठीक है दोस्तों, सदैव बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र? बंद वक्र। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कैसा वक्र बनाती है दोस्तों? बंद वक्र बनाती है। ये आपको दिख रहा होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये बंद वक्र बना रही है, ठीक है, कहीं से खुला नहीं है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा सबको, सब बाजू चुंबकीय बल रेखाएं ये सब बंद वक्र बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होगा दोस्तों आपका? इतनी बातें आप तो लिख रहे होंगे, हमें आशा है कि चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कि हमने आपको क्या बताया कि चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर कहां से कहां तक? जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव की ओर आएंगे, क्या वैद्युत बल, चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए लिखिए, यहां पे लिख दे रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर कैसे जाएंगी दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से निकलकर निकल कर, दक्षिण ध्रुव से निकल कर कहां तक दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पे थोड़ा नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमने अभी तक चार बातें आपको बताई हैं, चारों बातें पहले बता देते हैं उसके बाद सारी बातें लिखवा देते हैं, ठीक है। अब आगे हम आपको एक बार और रिवाइज करवा दे रहे हैं दोस्तों, आपको चुंबकीय बल रेखाएं कभी भूले ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। कभी भी चुंबकीय बल रेखा को भूलना नहीं है, आपको सदैव ध्यान में रहेगा। चलिए आइए बात करते हैं, हमने बनाया पहले क्या? चुंबक बनाया। चुंबक क्या बनाया? उसमें क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, अनिवार्य है दोस्तों, दो ध्रुव अनिवार्य होता है कि किसी भी चुंबक के अंदर दो ध्रुव अनिवार्य होते हैं दोस्तों। दो ध्रुव अनिवार्य होते हैं, कौन कौन सा? नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। एक क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो जो हमारा नॉर्थ पोल है उससे चुंबकीय बल रेखाएं जो है उससे जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई जाएंगे, ठीक है दोस्तों, निकलती हुई जाएंगे, ठीक है। कहां समाप्त होंगी? दक्षिण ध्रुव पे। कहां पे? दक्षिण ध्रुव पे, यानी साउथ पोल पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। और आगे की बात क्या की जाए कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये चुंबक के अंदर कैसा काम करेंगी, कैसे जाएंगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है। और अगली बात हमने क्या बताया कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये सदैव बंद वक्र बनाती है, ठीक है दोस्तों। और एक बात हमने बताया और कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगली बात हमने आपको बताया है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने स्टडी मेगा पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे वहां पे दिया होगा उसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और डेली वीडियो अपलोड होती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अभी क्लास टेन की चल रही है सब बातें, इसके बाद आपको, इसके जस्ट बाद आपको इंटर की क्लासेस भी मिलना चालू हो जाएंगी दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।